का मजा लीजिए, आनंद उठाइए, बहुत मजा आएगा। काफी बिजी रहता है ये देखिए, तो इसी से हम थोड़ा देर सोचे कि थोड़ा पैदल देखती हूँ, यहाँ से पुल से गुजर रही हूँ यहाँ पे, तो आगे जाके कैब ले लूँगी। बट बहुत अच्छा लगा, थोड़ा वॉकिंग भी हो जा रहा है। ये एक बोट आया, नेक्स्ट बोट का हम जाने वाले हैं, ये देखिए। आइलैंड जैसा है ना, बुद्धा स्टेचू, हाँ देखिए कितना खूबसूरत बुद्धा स्टेचू। हाँ करते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, खूब अच्छी हवा चल रही है और बुद्धा स्टेचू ना यहाँ पे रोज रुके हैं, तो हम लोग घूमने जाएंगे। ये देखिए, हाँ चलिए चलिए, देखिए बुद्ध भगवान का स्टैचू और कितना खूबसूरत सूरज का बादल में छुपते हुए, इतना सुंदर लग रहा है वाह। ये खूबसूरत नज़ारा, कितना मज़ा आ रहा है। ये देखिए यहाँ बुद्ध भगवान का स्टैचू, यहाँ बुद्ध भगवान, ये देखिए आप, सुंदर। और आज हम भरपूर आनंद ले रहे हैं अभी हैदराबाद में, कल तो मॉर्निंग निकलना है, जाना है, फिर वापस से हम लौट रहे हैं मुंबई के लिए। तो आज हम सोचे कि चलो आज का शाम पूरा, बहुत दिन से काफ़ी दिन से काफ़ी बिजी रहे। ये देखिए हम लोग अभी जा रहे हैं लुबनी पार्क, हैदराबाद में लुबनी पार्क भी देखने लायक है, बहुत मज़ा आएगा। चलिए आप लोग भी साथ साथ बने रहिए पार्क में भी। तो ये देखिए हम लोग लुबनी पार्क के लिए इंटर किए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जा रहा आपको, आपको लुम्बिनी पार्क घुमाने लाए हैं, यहाँ में आपको घुमाएंगे। अभी एक रूट तो फुल हो गया, अभी जा रही है, हम लोग नेक्स्ट रूट में हम लोग जाने वाले हैं। ये देखिए पे बोटिंग का है, यहाँ पर सिस्टम बोटिंग वगैरह करने का बहुत मज़ा आ गया। बोटिंग टिकट ये देखिए, वाओ ये देखिए इतना खूबसूरत लग रहा है ना, वाओ ये तार का पेड़। लोग स्पीड बोट में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, स्पीड बोट में बोट, तो उसमें भी मस्ती आएगा। तो हम लोग घूम के आइए, अभी स्पीड बोट जाने के लिए क्यों लगा हुआ है। स्पीड बोट में देखिए आप कितना मज़ा आएगा, तो उसका अलग बना हुआ है, स्पीड बोट में जाने के लिए अलग सा बना हुआ है। चलिए फिर
करने के लिए जैकेट पहनना पड़ता है, लाइफ जैकेट पहन के तैयार है स्पोर्ट में जाने के लिए। चले आप भी मस्त कीजिए, हम लोग साथ आप भी आनंद उठाइए और फिर चलते हैं आगे। हैदराबाद अभी आके इतना मजा आ रहा है, ये शाम बहुत मजा आ रहा है, यादगार शाम है आज, फुल मस्ती फन।
खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहे हैं हम लोग। लाडो बोलती है ना, नन डरो नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, है ना। इतने लोग चढ़ते हैं, बैठते हैं, क्या हो रहा है? कुछ नहीं होता है, बस मजा लो, सुखौट है, खूब मस्ती करो, एंजॉय करो, है ना। इनको तो डर नहीं लग रहा है, नहीं मुझे भी डर नहीं लग रहा, पर इतना हाइट पे आ गए ना। कुशल लेक के पास एक रेस्टोरेंट है, यहाँ का व्यू भी बहुत सुंदर देखने, यहाँ बैठ के जो व्यू देख रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। तब बोले चलो अभी तो हम लोग क्रूज में स्पीड पोल बोट में बहुत घूम के बहुत मज़ा आया, तो फिर बैठ के थोड़ा बोले चलो चाय वगैरह पीते हैं। सुंदर से अरेंजमेंट कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे सारा व्यू बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ भी बहुत सारे हैदराबाद में कुछ एरिया में कवर की, क्योंकि समाज सेविका हूँ तो जहाँ तक हो सकता है यहाँ पर मैं मतलब हर एरिया को कवर की, उनके बारे में जानने का कोशिश की। और यहाँ भी कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं कि यहाँ के लिए भी हैदराबाद के लिए भी काफ़ी अच्छा हो, जैसे कि हमने उड़ीसा, बेंगलोर, महाराष्ट्र और हैदराबाद में भी ये आगे बढ़ाने के लिए मैं हर कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ भी मैं पूरी तरह से कामयाब होंगी और यहाँ पर भी सारे लोग बहुत अच्छे मिले। और जब हम नारी सम्मान अवार्ड के बाद जब हम सभी से मिले, ताकि उन लोग जो हमें बुलाए थे उन लोग फिर से पर्सनली मिल के सबसे मुझे बातें हुई, बहुत सारे बातें हुई और आगे का फ्यूचर प्लान भी हम किए कि आगे इसके बाद हमें क्या अचीव करना है, लाइफ में क्या अचीवमेंट लेना है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि उन लोग चाह रहे हैं कि और भी इसके साथ इसके बाद और भी वर्ल्ड लेवल पर मैं जाऊँ और अचीव करूँ। देश विदेश तो नाम होता ही है, वर्ल्ड में भी नाम इस तरह से मेरा फैले और मेरे साथ साथ हमारे साथ जितने जुड़े लोग हैं उन लोग का नाम हो, रोशन हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा लगता है कि जबकि हमारे साथ हमारे माँ माता और पिता मम्मी पापा का नाम जुड़ा, हमारे परिवार के जुड़ा, हमारे बच्चों को जुड़ा हुआ है, और ये पूरे भविष्य में जो भी आने वाले हैं हमारे बच्चे लोग का जो भी मतलब कंटिन्यूटी में है, आगे भी उन लोग इसको देखें। वेरी गुड मॉर्निंग, आपका दिन सुबह मंगल में हो। तो आज मैं निकल रही हूँ हैदराबाद से मुंबई के लिए, बहुत अच्छा रहा यहाँ पे हर प्रोग्राम का अचीवमेंट से लेकर हर कुछ, और बहुत बिजी शेड्यूल रहा, उसी में हम इंजॉय भी किए सारा अपना प्रोग्राम भी, पूरा प्रोग्राम में फाइनल किए यहाँ सभी जगह जाके जहाँ जहाँ मुझे जाना था, तो मैं गई और वहाँ सारा फाइनल प्रोग्राम भी फाइनल किए, हर एरिया भी कवर की, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चले अब हम मुंबई की ओर हैदराबाद स्टेशन के लिए बस कैब का ही वेट कर रहे हैं, अभी आ जाएगा तो फिर अपने के लिए